तीर्थ नगरी पुष्कर में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। बुधवार सुबह कस्बे के अलग अलग हिस्सों से 5 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। केशव नगर में 21 वर्षीय युवक, यज्ञ घाट के पास 79 वर्षीय बुजुर्ग, फ्रेंड्स कॉलोनी में 52 वर्षीय शिक्षक, वरहा घाट के पास 30 वर्षीय महिला, छोटी बस्ती में 50 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को 52 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 79 वर्षीय बुजुर्ग को अजमेर भेजा जा रहा है, वहीं 4 संक्रमितों को होम क्वारंटाइन किया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पुष्कर उपखंड क्षेत्र में एक्टिवेट 35 केसों में आज कुछ मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद अब पुष्कर क्षेत्र में 22 केस ही एक्टिवेट रह गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। 52 सैंपल लिए थे, जिसमें जुकाम सर्दी के 5 सैंपल लिए गए थे, वो 5 ही पॉजिटिव आए हैं। छोटी बस्ती के अंदर 2 पॉजिटिव हैं, एक 12 घाट पर 1 पॉजिटिव है, इसके अलावा फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर 1 पॉजिटिव है और 1 केशव नगर में पॉजिटिव है। 12 ये छोटी बस्ती से हमने जो 78 ईयर्स के, इनको अजमेर भेज रहे हैं। बाकी को हमने होम क्वारंटाइन किया है, समझा दिया है, सभी मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अलग कमरे में रहें, जिसमें लेट्रिन बाथरूम सेपरेट। कोरोना जो पॉजिटिव निकल रहे हैं वो बिना मास्क घूम रहे हैं, इसके लिए प्रशासन और आप चिकित्सा टीम के लिए मैंने प्रशासन को सूचित कर दिया, वो अपना वो कर रहे हैं, मैं एक्शन ले रहा हूँ।